गेट रेडी टू गो चीफ, धवन के बारे में बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है साउथ से। और यहाँ पे भाई साहब इस न्यूज को सुनने के बाद आप भी गाइस हिल जाएंगे। या दोस्तों, धवन के प्रीव्यू के बाद किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी कि धवन का ट्रेलर भी आएगा, लेकिन अब यहाँ पे साउथ से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि धवन का जो ट्रेलर है, जो सेकंड ट्रेलर है, वो यहाँ पे 24 अगस्त 2023 को रिलीज किया जाएगा मुंबई से। और यहाँ पे चेन्नई के अंदर इसको एक इवेंट के रूप के अंदर भाई साहब सेलिब्रेट किया जाएगा। एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इस ट्रेलर की जो लेंथ है वो 3 मिनट 22 सेकंड की होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 3 मिनट 22 सेकंड का ये यहाँ पे जो है वो ट्रेलर आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर थोड़ी बहुत जो है वो आपको स्टोरी भी समझ में आ जाएगी। बहुत बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस और यहाँ पे शाहरुख खान के मार धार वाले जो सीन्स है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ यहाँ पे इस मूवी के अंदर काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा जब ये 7 सितंबर को मूवी रिलीज होगी सिनेमाघरों के अंदर। तो यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर जो सुनामी आएगी वो आपको याद रहेगी जिंदगी भर तक, क्योंकि यहाँ पे शाहरुख खान की मूवीज के अंदर जो स्टारडम चल रहा है शाहरुख खान का, और जिस तरीके से शाहरुख खान जो है वो मास मसाला मूवीज करते जा रहे हैं, तो भाई साहब ये जो चीजें हैं वो लोग जो है वो काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है वो अभी ट्रेलर रिलीज होगा तो यहाँ पे देखने लायक होगा कि कितने घंटों के अंदर कितने व्यूज बटोरता है और कितनी ज्यादा ऑडियंस जो है वो इस मूवी का वेट भी कर रही है। और ये ट्रेलर ही काफी कुछ जो है वो अपने आप में बयान कर देगा। बाकी इस रिपोर्ट को देख के आपका क्या ओपिनियन है, बाकी एटली कुमार की डायरेक्शन के तो आप सब वाकुफ ही है, क्योंकि जो भी इन्होंने मूवी बनाई है आज तक वो सुपर डुपर से ऊपर यहाँ पे गई है, यानी कि ब्लॉकबस्टर हो गई है। अब इस बार तो विजय सेतुपति और यहाँ पे शाहरुख खान की जो एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी है, जो फाइट सीन्स है वो हमें देखने को मिलेंगे, ये चीजें काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाएंगी। बाकी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, आप कितना वेट कर रहे हैं जवान का ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया कंटेंट के साथ, ख्याल रखिएगा हमेशा। हरे कृष्णा।